राफेल डील पर घिरी बीजेपी अब जनता को बताने में जुटी है कि कांग्रेस झूठ बोलकर जनता को न केवल गुमराह कर रही है बल्कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर भी तुली है। 3 दिन पहले झारखंड के सीएम रघुवर दास तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव को यह बताने के लिए आगे आना पड़ा है कि राफेल डील में सब कुछ सामान्य था। यदि सामान्य नहीं रहा होता तो देश की सर्वोच्च अदालत मोदी सरकार को क्लीन चिट कैसे देती, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करता हो, देश की सेनाओं के मनोबल के साथ भी जुड़ा हुआ हो और अपने देश की सुरक्षा के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ जो सेना की तैयारी का विषय हो, उस तैयारी के विषय पर भी ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हो जो देश के हित में ना हो। आज राफेल के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा ये बहुत स्पष्ट हुआ है कि किस प्रकार देश के राजनीतिक विषयों के साथ खिलवाड़ करते हुए कांग्रेस ने झूठ बोला। एक सवाल के जवाब में बीजेपी नेता यादव ने यह भी कहा कि जेपीसी या कैग की बात को बताकर राहुल गांधी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर तुले हैं। पिछले 1 साल से और जब से हमारी सरकार आई है तब से, पर विशेष रूप से देश में एक झूठ की राजनीति, भ्रम की राजनीति कांग्रेस के द्वारा खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते और सच का उजाला जब होता है तो झूठ अपनी बुनियाद पे भी नहीं टिक पाता। और ऐसा झूठ बोला जाना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो ना केवल जनता में भ्रम फैलाता हो बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करता हो, देश की सेनाओं के मनोबल के साथ भी जुड़ा हुआ हो और अपने देश की सुरक्षा के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ जो सेना की तैयारी का विषय हो, उस तैयारी के विषय पर भी ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हो जो देश के हित में ना हो।